ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का खिरम श्री गुफारा गांव है, जहां एक खुफिया सूचना के बाद एक्शन में आए देश के जांबाज। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिशन पर हो तो आतंक का अंत निश्चित है। इस मुठभेड़ में चार खूंखार आतंकवादी मारे गए। इन्हीं में शामिल है श्रीनगर की एचएमटी कॉलोनी का दाऊद अहमद सोफी, जो कि आईएस जम्मू कश्मीर का चीफ था। दाऊद के अलावा पुलवामा का मजीद मंजूर डार और बिजबेहरा का आदिल रहमान भट मारा गया। साथ ही अनंतनाग के मोहम्मद अशरफ किट्टू को भी ढेर किया गया। ये काफी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, पुलिस पर अटैक काफी जगहों पे किया था, गार्ड लूटने की कोशिश की थी, कॉप किलिंग में सीआरपी पे अटैक किया था, तो काफी क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व। ये बेसिकली ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो इंस्पायर्ड होते हैं उस किस्म के ये ग्रुप था दाऊद सोफी का, जो इससे इंस्पायर्ड। रमजान सीज फायर खत्म होने के बाद सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर काल बनकर टूट रहे हैं। दाऊद सोफी का खात्मा सिर्फ एक आतंकवादी का खात्मा भर नहीं, बल्कि उस सोच पर सबसे करारा प्रहार है जो घाटी में आईएसआईएस को जिंदा रखे हुए था। दाऊद अहमद सोफी आतंकवादी बनने से पहले पत्थरबाज था। दूसरी आतंकी वारदातों के साथ साथ जदीबल में जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई गुलाम मोहम्मद और हेड कांस्टेबल नसीर अहमद की हत्या करने में वो शामिल था। अनंतनाग एनकाउंटर को अमरनाथ यात्रा शुरू होने के पहले सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बल एक और अनंतनाग में आतंक के खिलाफ संग्राम कर रहे थे तो पत्थरबाजों की भीड़ देशद्रोह पर आमादा थी। पुलवामा में भी सुरक्षा बलों को पत्थरबाजों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तय है कि कश्मीर में आतंक और देशद्रोह की कीमत चुकानी ही होगी। ये जरूर है कि इस लड़ाई में सुरक्षा बलों को भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। अनंतनाग एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आशिक हुसैन शहीद भी हुए। आशिक हुसैन अब सुपुर्दे खाक हो गए हैं, लेकिन मातृभूमि से किया अपना वादा निभा गए। आशिक हुसैन जैसे सुरक्षा कर्मियों को लगातार मुश्किल हालातों का सामना करना होगा। कश्मीर के अनंतनाग में शुक्रवार सुबह चार आतंकवादी ढेर किए गए, लेकिन शाम को त्राल में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ। त्राल पुलिस स्टेशन के पास पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर हमला हुआ, उसमें 10 जवान घायल हुए हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।